कोई भी कहता तो शायद फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब सीनियर नेता कहते हैं ना, मल्लिकार्जुन खड़गे का बेटा प्रियांक खड़गे, स्टालिन का बेटा जो वो एमके स्टालिन है वो उसका, या फिर जो ये सीनियर मणिशंकर यार भी काफी सीनियर नेता है, दिग्विजय सिंह सीनियर नेता है, आलतू फालतू कोई नेता बोलता तो नहीं शायद फर्क पड़ता, लेकिन अगर एनसीपी का जो विधायक दल का नेता है वो बोलेगा तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि अब और पार्टी स्टैंड किसको मानेंगे, जब सीनियर नेताओं के बयान को ही तो मानेंगे ना। देखिए राज साहब, सच्चाई ये है कि कांग्रेस में दो धड़े हैं, एक धड़ा वो है जो राज साहब का है और प्रमोद आचार्य प्रमोद कृष्णन का है और जनार्दन द्विवेदी वगैरह का है, ये सब हिंदू हैं, ये नरसिम्हा राव था उस धड़े में, उस धड़े में बहुत सारे लोग रहे हैं, लेकिन एक धड़ा घोर वामपंथी या कम्युनिस्ट का भी है, मणिशंकर अय्यर टाइप का, और ये जो दोनों धड़े हैं ना, आप बयानों में साफ साफ फर्क भी पता चलता है, यही दोनों के साधने की कला तो कांग्रेस है। शुरू से मैं बोल रहा हूं कि कांग्रेस में आजादी के समय से ही वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों तरह के लोग थे, इसलिए मध्यम मार्गी पार्टी है ये, तो ये बोल क्यों नहीं देते कि हाँ कुछ लोग उस तरह के हैं कांग्रेस के अंदर जो कि करते रहते हैं आलतू फालतू बात बोलते रहते हैं, कभी भगवान के बारे में, कभी शिव के बारे में, कह दिया कि अमरनाथ की गुफा में ग्लोबल वार्मिंग के कारण कुछ होता है, बहुत सीरीज ऑफ बयान है इनके, अगर कांग्रेस नेताओं को मैं निकालना शुरू कर दूंगा तो ये बोल दे कि हाँ रहते हैं कांग्रेस के अंदर भी कुछ इस तरह के लोग हैं जो कि सनातन विरोधी हैं, आचार्य जी बोलते हैं कि हाँ कांग्रेस के अंदर ऐसे लोग हैं जो घोर हिंदू विरोधी हैं, और राज्य को ही बोलने में इस बात की शर्म नहीं आनी चाहिए, ये जितना डिजास्टर मैनेजमेंट करेंगे, दूसरे की गलतियां गिना देंगे कि ठीक है फलाने पार्टी का भी तो बोलता है, फलाना पार्टी का बोलता है, अरे सारी दुनिया बोलता है, इससे आपकी गलती थोड़ी ना कम हो जाती है। मृत्युंजय जी, ये आप एजेंडा चला रहे हैं राम मंदिर को लेकर, या फिर इंडिया अलायंस जो है वो वाकई में भगवान राम की जो है अपमान कर रहा है? आप बड़ी देर से मुस्कुरा रहे हैं, देख रहा था। हाँ, नहीं अभिषेक जी, मेरे ख्याल से ये जग जा ही रहा, और शायद डिबेट की इसमें जरूरत भी नहीं है, एकदम एक तरफा सबका मेरे ख्याल से इसमें यूनानिमस मत होगा कि जो कांग्रेस की बेसिक विचारधारा है, जैसे पंकज प्रसून जी कह रहे थे, कांग्रेस लेटली जो है इट इज नथिंग बट अ लेफ्ट ओवर ऑफ लेफ्ट, वो जो लेफ्ट का बचा खुसा हिस्सा है वो कांग्रेस बन के रह गई है, और उसका एक जो बेसिक प्रेमाइस है पहले भी था और अभी यही है कि वो किस प्रकार से जो हिंदू एकजुट हो रहे हैं लेटली, इनफैक्ट मैं बोलूंगा खास करके 2014 के बाद से, किस प्रकार से उस एकता को तोड़ा जाए, अलग अलग जातियों में बांटा जाए ताकि वो अपने वोट बैंक को सुदृढ़ कर पाए, और इस तोड़ने के चक्कर में कुछ जो इनके नेता होते हैं वो एक थ्रेशोल्ड क्रॉस कर जाते हैं, जो एक नॉर्मल थ्रेशोल्ड है उसको भी क्रॉस कर जाते हैं, एक्सट्रीम में चले जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है, जैसा राज शर्मा जी कह रहे थे कि कुछ लोग कुछ कुछ बोल देते हैं उससे क्या फर्क पड़ता है, छोटे नेता है वो, इंपॉर्टेंट ये है कि जब ये बोला जाता है, जैसे स्टालिन ने जो भी एक बयान दिया वो इंपॉर्टेंट नहीं, हो सकता है एक फ्रिंज एलिमेंट हो, लेकिन कितने ऐसे कोलिशन पार्टनर्स थे इंडिया अलायंस के जिसने उसका उसका बहिष्कार किया या उसको उसका खंडन किया, कोई भी ऐसा आगे किसी ने भी कहा क्या कि नहीं नहीं इसमें जो कहा है ये गलत है, हम इसे नहीं मानते, हमारी विचारधारा ये नहीं है, तो एक टेसिट अप्रूवल होता है, इनफैक्ट जो सबको टेसिट अप्रूवल होता है, बोला जाता है कि बाहर निकल के बोलिए, जितना भी आप बोलेंगे इससे जो फ्रिक्शन पैदा होगा उससे जो हिंदू समाज है आपस में विभिन्न जातियों में बटेगा, चाहे वो आप अगड़ा पिछड़ा कर लें या यू नो रीजनलिज्म कर लें, नॉर्थ साउथ कर लें, किसी प्रकार से बांटने की बस एक जिम्मेदारी मिली हुई है कांग्रेस के सारे नेताओं को और उनके सहयोगी साथी के सारे नेताओं को, तो एकदम मेरे ख्याल से बहुत यूनानिमसली अब देश का हर एक व्यक्ति समझ चुका है, और इनके जितने भी बयान होते हैं मेरे ख्याल से ये हेल्प ही करने वाले हैं बीजेपी को, ये देते रहे ऐसे बयान, समाज बटने वाला नहीं है, और जो हिंदू एक हो चुका है इनफैक्ट पूरे देश में, और जो एकता है और जो अपने कल्चर और हिस्ट्री के प्रति जो एक सम्मान जग चुका है। मृत्युंजय जी, एकता तो गठबंधन ने भी दिखाई, 28 दल साथ आए हैं, एकता तो वो भी दिखा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर जितने भी दल मौजूद हैं उसमें किसी का बयान उठा के देख लीजिए, कांग्रेस, आरजेडी, या फिर स्टालिन की पार्टी डीएमके, या फिर आप सपा को उठा के देख लीजिए, सभी ने कुछ ना कुछ बयान दिया है राम के खिलाफ, तो विपक्ष गठबंधन उनका भी है। मेरे ख्याल से एकता बस एक ही चीज में है कि वो सारे लोग जब आते हैं एक पोस्टर पीछे लग जाता है, सारे लोग वहां बैठे रहते हैं, और वो चाय समोसा या चाय बिस्किट जो भी चलता है उस पर भी शायद डिबेट ही रहता है, लेकिन भी ऐसी पार्टी नहीं है अभी तक, एक स्टेट भी ऐसा नहीं है पूरे देश में जहां पे इन्होंने अपनी सीट फाइनलाइज कर ली हो, एक स्टेट नहीं है पूरे देश में, चुनाव को महज 3 से 4 महीने बचे हुए हैं, ये कौन सा अलायंस है जिसके पूरे देश में एक स्टेट में भी सीट फाइनलाइजेशन नहीं हुई है? ममता ने बोल दिया हम बंगाल में गठबंधन नहीं करेंगे, उधर आपने बोल दिया हम पंजाब में गठबंधन नहीं करेंगे, अखिलेश ने बोल दिया हम यूपी में गठबंधन नहीं करेंगे, बिहार का ठिकाना नहीं है, नीतीश किधर रहेंगे, तो कौन सा अलायंस है?
एक भी स्टेट में मुझे बता देना जहां पे कोई ये अलायंस एक्चुअली सवाल पे भी आऊंगा, सीट शेयरिंग वाले मामले पर भी मैं आऊंगा।